Assalamu alaikum classes, this is lecture 48. I hope you have gone and done your exercise of past perfect tense of interrogative case. Today you will do your next exercise. You have to solve this exercise. The demand of this exercise is, this exercise offers practice in using negative or interrogatives in the past perfect tense. Take care of punctuation where necessary. That means if you are converting your sentence into interrogative case, then don't forget to put question mark at the end of the sentence. Agar aap dekh rahe hain ki aapka sentence interrogative case mein hai, to aapne last mein question mark khud se write karna hai. Exercise mein already given nahi hai. अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने ये नेगेटिव में चेंज करना है वर्ब और इंट्रोगेटिव में, तो आपको ये वर्ब हेल्प करेंगे, जैसे कि यहाँ पर नोट और स्टैंड का वर्ड आया है. सेकंड सेंटेंस में भी ऐसे ही है, लेकिन आप अगर थर्ड देखेंगे, थर्ड में फर्स्ट में ब्लैंक है एंड देन सब्जेक्ट के बाद भी ब्लैंक है. दैट्स मीन कि आपने इसको इंट्रोगेटिव केस में चेंज करना है. So be careful while solving this exercise. आपके आज के टास्क में यही है कि आपने इस एक्सरसाइज को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव केस में राइट करना है. सिर्फ आपने इसी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है इस काम में. टोटल आपके पास जो सेंटेंसेस हैं वो है 10. आपने इन 10 सेंटेंसेस को करना है. डेट मार्क करनी है आपने सबसे पहले, उसके बाद आप लोगों ने पेंसिल से काम करना है. पेंसिल से काम करने के लिए आपको पता है, इसलिए बार बार कहा जाता है ताकि जब काम को टैली करवाया जाए तो अगर मिस्टेक हो तो आप अपने काम को इरेज करके ठीक कर सकें.